बच्चों आज हम लोग सीयूटी के लिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, माता जी को डॉट डॉट, पहला ऑप्शन परिणाम, बी परिमाण, सी प्रमाण, डी प्रणाम। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा प्रणाम, डी जो है राइट आंसर हम लोगों का। प्रश्न नंबर दो, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डॉट डॉट नहीं करनी चाहिए। अ ईर्ष्या, ब तत्परता, स तीव्रता, डी शीघ्रता। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अ ईर्ष्या। प्रश्न नंबर तीन, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे जघन्य डॉट डॉट करोगे। ए अपराध, बी प्रयास, सी व्यवहार, डी व्यवसाय। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए अपराध। प्रश्न नंबर चार, विकास के लिए आर्थिक डॉट डॉट आवश्यक होती है। ए सक्षमता, बी बहुलता, सी विविधता, डी आत्मनिर्भरता। प्रश्न नंबर चार का बच्चों राइट आंसर है ए सक्षमता। प्रश्न नंबर पांच, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डॉट डॉट कहलाता है। ए आंसू कवि, बी प्रत्युत्पन्नमति, सी प्रतिभाशाली, डी प्रज्ञावान। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न नंबर छह, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उसे विषय का डॉट डॉट सीखते हैं। ए प्रयोग, बी सहयोग, सी उपयोग, डी ज्ञान। प्रश्न नंबर छह का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी उपयोग। प्रश्न नंबर सात, अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में डॉट डॉट हैं। ए झिझकते, बी शर्माते, सी घबराते, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए झिझकते। प्रश्न नंबर आठ, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रियाकलापों का मुख्य डॉट डॉट रहा है। ए स्कूल, बी देश, सी क्षेत्र, डी केंद्र। प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी केंद्र। प्रश्न नंबर नौ, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व डॉट डॉट से बढ़ाया जाए। ए धन, बी सद्भावना, सी गरीबी, डी बजट। प्रश्न नंबर नाइन का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी सद्भावना। प्रश्न नंबर दस, सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए डॉट डॉट का स्रोत बन जाती है। ए दर्शन, बी भावना, सी प्रेरणा, डी ऊर्जा। प्रश्न नंबर दस का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी प्रेरणा।
प्रश्न नंबर 11, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता कहलाता है। ए सामयिक, बी अव्यागत, सी सर्वमान्य, डी अतिथि। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी अतिथि। प्रश्न नंबर 12, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के में प्रगति की है। ए पक्ष, बी स्रोत, सी क्षेत्र, डी रूप। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 13, वह पूर्वक सबके सामने झुक गया। ए साग्रह, बी निग्रह, सी विनय, डी सदय। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी विनय, विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। प्रश्न नंबर 14, मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। ए खबर, बी निमंत्रण, सी सूचना, डी पत्र व्यवहार। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी निमंत्रण। प्रश्न नंबर 15, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है। ए वरदान, बी अभिशाप, सी परिताप, डी पश्चाताप। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी अभिशाप। प्रश्न नंबर 16, हैजा एक रोग है। ए अभिकर्मक, बी संक्रामक, सी अतिक्रामक, डी निरोग। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी संक्रामक। प्रश्न नंबर 17, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ए अव्यवसाय, बी व्यवसाय, सी मनमाने व्यवहार से, डी सद्भावना। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी व्यवसाय। प्रश्न नंबर 18, मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। ए प्रेम, बी समाचार, सी एस, डी प्रभाव। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी यस। प्रश्न नंबर 19, भगवान बड़े दयालु हैं सबकी सुनते हैं। ए वे, बी वह, सी ये, डी आप। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा वे, ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। ए अपर गृह, बी अनुग्रह, सी विग्रह, डी परिग्रह। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए अपरिग्रह। प्रश्न नंबर 21, उस स्त्री के ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। ए आलाप, बी विलाप। 21 का राइट आंसर बच्चों बी विलाप। प्रश्न नंबर 22, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के की ओर बढ़ रहा है। ए लक्ष्य, बी गंतव्य। राइट आंसर 22 का बच्चों हो जाएगा
ए लक्ष्य, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।